Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाले हैं, यूलर टोशेंट फंक्शन रिमाइंडर ट्रिक। पहले तो मैं आप लोग से ये कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 12 की पावर 73 डिवाइडेड बाय 7, और इसका आंसर आप लोग निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो। अगर आप लोग नहीं निकाल पाते हो तो आप लोग जरूर देखो कि भाई इसका आंसर कैसे निकलेगा। और इस ट्रिक को समझने के लिए पहले तो आप लोग वीडियो पॉज करो, फिर देखो कि आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो स्टूडेंट। ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, डेली ऐसी ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अपने बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, मेरा नाम है उदित महेंद्रास करके, तो उसका टेलीग्राम चैनल जो होगा ना उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे दिया है। उदित महेंद्रास का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे दिया है, तो आप लोग जाइए और उस लिंक को ज्वाइन करिए, वहां से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए स्टूडेंट। क्लियर है? चलिए, तो टोशेंट फंक्शन होता क्या है उसको समझिए। टोशेंट फंक्शन ये होता है, इफ ऑफ एन, मान लीजिए कोई नंबर है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज हमने कोई नंबर ले लिया सपोज 42, तो 42 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 42 को हम लोग लिखेंगे 6 × 7 = 42, मतलब 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7। अब पावर देखो कितनी है, 1, सबकी पावर कितनी है स्टूडेंट, 1। तो अगर हमें इसका टोशेंट फंक्शन निकालना है तो टोशेंट फंक्शन हम लोग निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल सा है। टोशेंट फंक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है, 42 1 − 1/2, 1 − 1/3 and 1 − 1/7, यहां से आपका टोशेंट फंक्शन निकलाएगा फटाफट। अब ये टोशेंट फंक्शन मतलब यूलर का हमें फायदा क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये टूल, जो भी आप ये टोशेंट निकालोगे, यूलर निकालोगे, इसका यूज कहां पर होता है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस वैल्यू विल बी 1/2, दिस वैल्यू विल बी 2/3 एंड दिस वैल्यू विल बी 6/7। तो ये तो कट गया, 42 हो गया और 6 × 2 = 12, तो इसका यूलर कितना आया स्टूडेंट, 12 आ गया। बात समझ में आ रही है, इसका यूलर कितना आ गया, 12। अब यहां पर यूलर जब किसी नंबर को डिवाइड करता है उस पावर पे तो रिमाइंडर हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब कैसे मिलता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, 12 की पावर 73 डिवाइडेड बाय 7। अब इसका जो यूलर आएगा, 7 का यूलर आएगा 6। कैसे आएगा, क्योंकि 7 × 1 − 1/7 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यूलर कहता क्या है, यूलर कहता है कि अगर आप इस नंबर को इसकी पावर पे ले जाओगे तो 12 की पावर 6 का 7 से रिमाइंडर कितना आएगा, 1। याद रखना, 12 की पावर 6 का 7 से रिमाइंडर कितना आएगा, 1, ये यूलर कहता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अब ये तो 73 है ना, तो इसको हम लोग पहले 6 से डिवाइड करेंगे, तो 12 × 6 = 72 हो गया और 12 की पावर 1 हो गया और ये 7 हो गया, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। इसका रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 × 12/7 हो गया, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 12 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। 12 − 7 = 7, 12 − 7 कितना हो गया स्टूडेंट, 5। तो इस तरह से हम लोग यहां पर यूलर निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग याद रखिएगा यूलर निकालते वक्त, वो क्या है, 12 और 7 को co-prime होना पड़ेगा, मतलब उनका जो HCF है वो आना चाहिए 1। 12 और 7 के बीच में कुछ भी कॉमन होना नहीं चाहिए, अगर कॉमन है तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 11, इसको करना है, तो इसका भी यूलर पहले निकाल लेंगे, 11 का यूलर आ गया 10। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 की पावर 10 × 3 × 3² / 11, तो 3 की पावर 10 का यूलर कितना आया, 1। 3² कितना आ गया, 9। तो अगर हम लोग रिमाइंडर देखें तो कितना आ जाएगा, 9। 9 विल बी द करेक्ट रिमाइंडर स्टूडेंट, 9 विल बी द करेक्ट रिमाइंडर। बिकॉज देखो बहुत सिंपल सा है, जैसे ही आपने यूलर निकाला, यूलर से आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, जब भी आप यूलर निकालोगे उसका रिमाइंडर आपको हमेशा क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इसको आंसर आप लोग कमेंट्स में करोगे, कहां करोगे स्टूडेंट, कमेंट्स में। तो होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट कमेंट्स में आना चाहिए, अगर आप लोग को यूलर की ये वाली ट्रिक समझ में आई है। हालांकि इसको बहुत डिटेल में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में भी समझ सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही यूलर की ट्रिक में। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए जो लोग नए हैं, और उदित महेंद्रास का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और स्टूडेंट एक और अनाउंसमेंट, मैं IBPS क्लर्क मेंस का बैच ले रहा हूं, तो myshop.mahendras.org पे जाके आज ही IBPS क्लर्क मेंस का बैच परचेज करो और हमसे आके लाइव गुरु में पढ़ो, सारी फैसिलिटीज आपको वहां पर मिलेंगी स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।